अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। युवा साथियों ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है और ये बहुत ही अच्छी प्रशंसनीय कार्यक्रम होना चाहिए और पूरे देश में बना है। तो हम मांग करते हैं मध्य प्रदेश शासन से, राजस्थान शासन से, भारत सरकार से कि ऐसे जो भी सदस्य ने अपील करना चाहे मेरा नाम जब तक सूरज चांद रहेगा दादा आपका नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा दादा आपका नाम रहेगा। सुखदेव सिंह गोगा मेडी अमर रहे, अमर रहे। सुखदेव सिंह गोगा मेडी अमर रहे, अमर रहे। देव सिंह गोगा मेडी अमर रहे। वांछित और जो गरीब वर्ग के लोग हैं उसके लिए अभी शिवराज सिंह जी ने बहुत तो बड़ा एक कार्यक्रम किया था, उसकी अध्यक्षता श्री हमारे गोगामणि जी ने की थी। तो ऐसे गोगामणि जी और हमारे बीच में नहीं और उसके पर भारतवर्ष के ऐसे योद्धा जिनका नाम कहीं ना कहीं हम महाराणा प्रताप के साथ भी जोड़े तो कोई कम नहीं रहेगा। एक ऐसे योद्धा जिन्होंने पूरे समाज राष्ट्रीय लेवल पर सभी समाज को एक छत के अंदर एक परिवार के नीचे बिठाने की कोशिश की। जो हमारे राष्ट्रीय पहनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मैं उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ अपने और अपने परिवार को। मुझे एक बात कि हमारे सर्व समाज के नेता श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के सुखदेव सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे। वो एक बहुत ही ओजस्वी नेता थे, उन्होंने सर्व समाज के लिए कई आंदोलन किए और सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाले ऐसे ओजस्वी नेता थे। सबसे पहले उन्होंने जब 2006 में करनी सेना बनी थी उसके बाद उन्होंने करनी सेना के अध्यक्ष दादा सुरेश जी का बहुत ही श्रद्धापूर्वक किया गया करते हैं। और राजस्थान ही नहीं अपितु उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, मध्य प्रदेश के हर शहरों में मतलब बंद हुआ और ये यहाँ तक हुआ कि अनिश्चितकालीन बंद हो गया, उनके शव को भी रखा गया। परंतु के दबाव में आई सरकार और उन्होंने जो भी मांगा हमारे बीच में नहीं रहे और जो राजपूत समाज के लिए आधी रात को वो हमारे लिए तैयार रहते थे। मुझे मालूम है कि जब भी देवास आए हमारे लिए उन्होंने हर संभव बोला जो भी आपके लिए कार्य हो, जैसा भी समाज के लिए हित हो का जो भी उस पर कोई शोषण होता था, विरोध होता था या किसी को दबाया जाता था। तो ओम शांति शांति। जो शोक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई थी किसने की गई थी और क्या कहना चाहेंगे उसको? आज जो शोक सभा हमारे युवा साथी राजपूत समाज के हमारे मंगल सिंह जी, हमारे मोहन दरबा और सभी समाज यहाँ पर आमंत्रित था और सभी ने जो है सुखदेव सिंह जी की श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा, जिसमें सभी समाज के जो है नागरिक बंधु शामिल हुए, सभी श्रद्धांजलि अर्पित करी। और मेरा मानना है भारत के लिए ऐसे हिंदू युवक को होना सबके लिए और सभी समाज को साथ में लेकर चलने वाले सिर्फ सुखदेव सिंह हमारे दादा हमारे बीच में है। उसके तहत आज मन्नत गार्डन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपका नाम? धर्मेंद्र सिंह देश। आज आपको समाज द्वारा जो श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है क्यों किया गया है और क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? आज देवासी नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष और मध्य प्रदेश इस शोक संतप्त लहर में है और उसी के तारतम्य में हमारे युवा राजपूत समाज के युवा साथियों ने यहाँ पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें भारी संख्या में हमारे युवा साथी इकट्ठे हुए और ये काफ़ी रोष व्यक्त किया गया और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उनको फांसी की सजा हो और जो परिवार है उसको आर्थिक सहायता दी जाए
और भविष्य में ऐसी घटना ना हो ऐसी मांग की गई और इसी लक्ष्य में सभी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और इस वर्ष प्रार्थना की कि मैं अपने चरणों में स्थान। आपका नाम? मेरा नाम अनूप सिंह जादौन, वरिष्ठ महासचिव राजपूत कर्णी सेना, जिला देवास।